पट्टे की मांग को लेकर राजीव कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का हुजूम एसडीएम कार्यालय पहुंचा और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर भू अधिकार पत्र देने की मांग की। मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पर कांग्रेस नेता अय्यूब कामरेड के नेतृत्व में पहुंची महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा और पट्टों की मांग की। महिलाओं का कहना था कि वे यहाँ सालों से निवासरत हैं, उसके बावजूद उन्हें भू अधिकार पत्र नहीं दिए गए हैं। साथ ही महिलाओं ने यह भी मांग की है कि जिस तरह झुग्गी झोपड़ियों में महज 1,000 रुपये में नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर उन्हें भी 1,000 रुपये में ही नल कनेक्शन दिए जाएं। तो ये सब आए थे एसडीएम मैडम के सामने, उन्होंने अपनी बात रखी है। मैडम ने 15 अगस्त के बाद का इनसे कहा है, 15 अगस्त के बाद मैं आपको बुलाऊंगी और नगर पालिका सीएमओ से चर्चा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। 15-16 साल हो गए, अभी रहते रहते 25-25 साल हो गए, तो ना तो हमारे को टैक्स की पर्ची है हमारे पास, ना कुछ भी, ना आपके 15 साल का टैक्स के 20 साल का तुम्हारा पूरा 20,000 और 15,000 सब भरना पड़ेगा। अब इतने पैसे हम कहाँ से लाए, खिला चला गरीब इंसान, अब हमारा पेट भरेगा, हम क्या नाम रहे तो नल कनेक्शन के लिए इतने पैसे जमा करें, उसके बाद भी क्या तुम्हें नामांकन करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, तो सबके लिए हम पैसे कहाँ से लाए। पानी का टैंकर वो भी 4 दिन में आता है हमारा, वो भी खराब पानी है। हम आवास योजना में भी ये लेना चाहते हैं। 15-15 हज़ार भरेंगे तो बच्चों का पुड़िया ला के देंगे क्या? ये 50 रुपए रोज की मजदूरी करने वाले। आवास योजना में हमारा नाम आया, जा जा के चक्कर काट कर मजदूरी बंद हो गई। अब तो